गाइज, मेरे पास एक क्वेरी आ रही थी बहुत दिनों से कि विदित, हम एक बिगिनर हैं और हमें गिटार सीखना है, हमें पियानो सीखना है, तो हमें कौन सा रिसोर्स फॉलो करना चाहिए? एंड फॉर दिस पर्पज गाइज, आई हैव फाउंड अ रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म. द प्लेटफॉर्म नेम इज हे गाइज, दिस इज विदित अवस्थी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल. तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने लाइक्स और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये गाना कैसा लगा है. गाइज, ये बहुत ही छोटा सा लेसन है बिकॉज इसमें बहुत ही प्यारा हमने गाना कवर किया है और ये काफ़ी पुराना गाना भी है, बट अभी भी बिगिनर्स के लिए काफ़ी ईजी और काफ़ी मतलब अच्छा गाना लगता है उनको प्ले करने के लिए. तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए एक अच्छा सा लेसन बनाया जाए इस गाने के लिए. गाइज, मेरे पास एक क्वेरी आ रही थी बहुत दिनों से कि विदित, हम एक बिगिनर हैं और हमें गिटार सीखना है, हमें पियानो सीखना है, तो हमें कौन सा रिसोर्स फॉलो करना चाहिए? बिकॉज यूट्यूब पे कंटेंट है बट वो अनस्ट्रक्चर्ड है. कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्स बता दो या फिर कोई स्ट्रक्चर्ड रिसोर्स बता दो जिसकी मदद से हम अच्छे से बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट प्रोफेशनल लेवल तक अच्छे से इंस्ट्रूमेंट को सीख पाएँ. तो मैंने काफ़ी रिसर्च की एंड फॉर दिस पर्पज गाइज, आई हैव फाउंड अ रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म. द प्लेटफॉर्म नेम इज वाइट एट जूनियर. गाइज, इस प्लेटफॉर्म पे आप इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं जैसे कि गिटार, पियानो, कीबोर्ड एंड एटसेट्रा. और साथ ही साथ आप और भी कोर्सेज और भी चीज़ें आप इस प्लेटफॉर्म पे जाकर सीख सकते हैं. गाइज, अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने अभी अभी गिटार खरीदा है, तो आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा. क्यों? क्योंकि इसमें आपको मिलता है वन ऑन वन क्लास विद द एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स जो आपको एकदम अच्छे से बेसिक लेवल से सिखाएंगे. गाइज, इस प्लेटफॉर्म पे जो आपको कोर्सेज मिलने वाले हैं वो बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली होने वाले हैं. इसका मतलब है कि अगर आपको किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या किसी चीज़ के बारे में ज़रा सा नॉलेज भी नहीं है, तब भी आप उन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और आपको एकदम बिगिनर लेवल से सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी. तो अगर आपने गिटार कल भी खरीदा है, कोई इंस्ट्रूमेंट आपने कल भी खरीदा है, तो भी आप इनके कोर्सेज को ले सकते हैं और सीख सकते हैं काफ़ी कुछ. तो गाइज, इस प्लेटफॉर्म के कंटेंट को आप लाइक अपने पेस पे सीख सकते हैं. आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, आपको कोई बॉन्डेज नहीं है कि आपको जल्दी से सीखना है. आप अपने पेस पे सीख सकते हैं इसके कंटेंट को. साथ ही साथ गाइज, आपको फ्लेक्सिबल स्केड्यूल मिलता है इसमें. और गाइज, इसके कंटेंट को आप कहीं पे भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. वाइट एट जूनियर काफी शोज भी अरेंज करता है अपने प्लेटफॉर्म पे, जिसकी मदद से आप और भी फेलो अपने लर्नर्स के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं, जिसकी मदद से आपका और भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. और गाइज, इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और आप ढेर सारे सॉन्ग सीख सकते हैं, ढेर सारे कंसेप्ट सीख सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को और अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं. एंड गाइज, टू बुक अ फ्री ट्रायल क्लास जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करो एंड जस्ट बुक अ फ्री ट्रायल क्लास विद वाइट एट जूनियर एंड बिगिन योर म्यूजिकल जर्नी. और गाइज, अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं. गाइज, अब हम जो है बेसिकली इस गाने को जो है वो ई स्ट्रिंग पे प्ले करेंगे. आप बी स्ट्रिंग पे भी प्ले कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ऑलराइट, तो गाइज, वो सब सीखने के लिए हम लोग अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे. सो गाइज, अब हम आ गए अपने एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे. तो गाइज, मैंने क्या किया, मैंने इस गाने को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आप उन पार्ट्स को इजीली सीख सकें और समझ सकें. तो फर्स्ट पार्ट हमारे गाने का कुछ इस तरीके से आता है, राइट? इसके टैब्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. टैब्स जो होंगे सारे आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे, जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं उन टैब्स को. और अगर आपको इसके रिटन टैब्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी मेरी वेबसाइट की, वहां से ले सकते हैं. या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे विदित अंडरस्कोर अवस्थी वहां पे फॉलो करके वहां पे भी आपको रिटन टैब्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे. तो सेकंड पार्ट गाइज हमारा कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है? इसके टैब्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे. थर्ड पार्ट गाइज हमारा कुछ इस तरीके से आता है, राइट? इसके टैब्स भी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे. फोर्थ पार्ट गाइज हमारा कुछ इस तरीके से आता है. ऑलराइट, अब इसके बाद हमारा मेन सॉन्ग स्टार्ट होता है फिफ्थ पार्ट से. देन द सिक्स्थ पार्ट, देन द सेवेंथ पार्ट एंड देन द एट्थ पार्ट.
और अब इस पार्ट को, ये जो हमारे 5th, 6th, 7th, 8th था, इसको आपको फिर से एक बार रिपीट करना है। ऑलराइट गाइज, तो आई होप गाइज इतना ही है ये गाना। आपको लग रहा होगा जब मैं प्ले कर रहा था कि वो बहुत लंबा जा रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिंपली मैं उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स दे दे रहा हूँ और उनको 2-3 बार रिपीट कर दे रहा हूँ पार्ट को, तो जिसकी मदद से आपका गाना जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाता है। ऑलराइट गाइज, तो आई होप गाइज आपको इसका लेसन समझ आ गया होगा, और ये क्विक लेसन था जिसकी मदद से मैं आपको जल्दी से गाना सिखाना चाहता था। अगर आपको इसके रिटन टाइप्स चाहिए वो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर विदित_अवस्थी, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और साथ ही साथ गाइज, अगर आप एक फ्री ट्रायल क्लास बुक करना चाहते हैं वाइट हैट जूनियर के साथ, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिए और फ्री ट्रायल क्लास को बुक कर लीजिए अभी के अभी। तो मैं मिलता हूँ गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, रिस्पेक्ट योर गिटार, कीप प्रैक्टिसिंग एंड पीस आउट।